नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैटर वेव से रिलेटेड है, जो मॉडर्न फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बताया गया, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम विथ इनिशियल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट के कैप इफ लैम्डा नॉट इज इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम टी इज गिवन बाय। तो हमें पता है कि किसी भी मैटर वेव के केस में जब हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं तो वो हम लोग फार्मूला क्या यूज करते हैं, एच बाई पी। तो जब लैम्डा नॉट मैं निकालूंगा तो यह आएगा एच डिवाइडेड बाई मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रखेंगे, देखेंगे ये इनिशियल वेलोसिटी था, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर का रूट, यानी कि रूट टू वी नॉट। तो रूट टू वी नॉट आ गया। ठीक, अब किसी टाइम टी पर अगर लैम्डा निकालना है तो मैं लिखूंगा एच बाई एम इंटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी दिया गया था वो दिया गया है वी नॉट आई कैप वी नॉट जे कैप, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है माइनस ई नॉट के कैप, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वेलोसिटी एक्स और वाई डायरेक्शन में था और ये जो फोर्स लग रहा है वो जेड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, चेंज किसको करेगा, केवल जेड डायरेक्शन के वेलोसिटी को, जो कि शुरू में जीरो था, है ना। तो अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी इसमें निकालना हो, है ना, तो फाइनल वेलोसिटी मैं निकालूंगा इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो कि ये है प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, एक्सेलरेशन आएगा ई इंटू ई नॉट बाई एम, ये एक्सेलरेशन आएगा इंटू टाइम टी, और ये आएगा जेड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, माइनस साइन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा चार्ज नेगेटिव इंटू ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो चार्ज जो है जेड डायरेक्शन में, उस पर फोर्स जो लगेगा जेड डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, तो वी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट आई कैप वी नॉट जे कैप प्लस ई ई नॉट टी बाई एम इंटू के कैप, ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं क्योंकि यहां पर तो मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा मोमेंटम का, तो ये आएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर प्लस ई ई नॉट इंटू टी बाई एम का होल स्क्वायर का रूट, है ना। तो यहां पर रखेंगे एच डिवाइडेड बाई एम अंडर रूट, ये हो जाएगा टू वी नॉट स्क्वायर, टू वी नॉट स्क्वायर प्लस ई ई नॉट टी बाई एम का होल स्क्वायर, है ना। अब इसमें से जो है ये टू वी नॉट स्क्वायर मैं बाहर कॉमन लेता हूँ, तो बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट टू वी नॉट, और रूट के अंदर यहाँ तो बचेगा वन प्लस ई इंटू ई नॉट टी डिवाइडेड बाई टू एम इंटू वी नॉट जो है ये आ जाएगा, मतलब कि रूट टू इंटू इसका होल स्क्वायर ये आ जाएगा, है ना, रूट टू इंटू वी नॉट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वो यहां पर आ जाएगा, ये है रूट टू, है ना, ये आ गया। अब देखेंगे ये वाला जो टर्म है ये लैम्डा नॉट था, यहां पर एच बाई एम रूट टू वी नॉट ये लैम्डा नॉट था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन प्लस ये हो गया ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टू एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, ये आ गया। ये जो है नया वाला वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन का, और ये जो देखेंगे थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, है ना, तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा।